जीवन में जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना अब मेहनत साथ देगी, इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, देखना किस्मत साथ देना शुरू करेगी। डिजाइनिंग में करियर का बहुत बड़ा स्कोप है, आप कोई भी एरिया चूज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और भी बहुत कुछ। एक करियर उन लोगों के लिए है जिनका पैशन आर्ट या क्रिएटिविटी है। आज का वीडियो एक डिजाइनिंग वेबसाइट के बारे में है जहाँ पे आप घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं जॉब्स, फ्रीलांसिंग और अर्निंग से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रोशन स्वागत करता हूँ वायरल इन्फो वार में। आज का वीडियो कंट्राडो के बारे में है। कंट्राडो एक प्रिंट ऑन डिमांड की कंपनी है जहां पे आप घर बैठे डिजाइनिंग के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। यहां पे आप अपना डिजाइनिंग या ग्राफिक को किसी भी अवेलेबल प्रोडक्ट पे डिजाइन करके आप पैसे यहां पे आप अपना डिजाइनिंग या ग्राफिक को किसी भी अवेलेबल प्रोडक्ट पे डिस्प्ले करा करके पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू साइन अप ऑन कंट्राडो, हाउ टू ओपन ए स्टोर, हाउ टू डिजाइन ए प्रोडक्ट एंड हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी। www.contrado.com या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। ये कंट्राडो का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका ग्राफिक कुछ इस तरीके से जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पे कुछ सोप आर्ट्स हैं, यहां पे कुछ और पिक्स हैं, यहां पे कुछ न्यू पिक्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सोप प्रोडक्ट रेंज है यहां पे कुछ फैब्रिक्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पिक्स है जिसको आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का इसका ग्राफिक यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में डिजाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लदिंग है, क्लदिंग में बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स वाइज दिए गए हैं, मेंस है, वीमेंस है, किड्स है। अगर हम होम वेयर्स में देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भी सब कैटेगरीज बने हुए हैं, जैसे आउटडोर एंड गार्डन है, होम फर्निशिंग है, किचन एंड डाइनिंग है, वेल आर्ट एंड प्रिंट्स है, बहुत सारे कैटेगरीज है। आप एसेसरीज में देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज बने हुए हैं, जैसे वीमेन एसेसरीज है, मेंस एसेसरीज है, टैबलेट एंड लैपटॉप केस है, स्टेशनरी है, बहुत सारे कैटेगरी है जहाँ पे आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेल योर आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल योर आर्ट में आप देख सकते हैं 450 प्लस प्रोडक्ट्स है जिसको आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। उससे पहले कि आप डिजाइन करें, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेल विद कंट्राडो है, सेल विद कंट्राडो में सेल एंड अर्न है, डिजाइन 450 प्लस प्रोडक्ट, मेक क्वालिटी प्रोडक्ट है, इस सब के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो बेहतर होगा आपको डिजाइन करने में, और इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। वाई कंट्राडो में आप देख सकते हैं कस्टम कलेक्शन है, अर्न रिवार्ड है, अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट की सुविधा यहाँ पे मिल रही है आपको। उसके बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ पे नीचे में साइनिंग वाले पेज पे, यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे आपको यूनिक सा स्टोर का नाम डाल देना है, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया और स्टोर का नाम यहाँ पे डाल दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर का URL खुद ब खुद एक जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अब हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे अप्लाई पे आकर के हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने पहले जो इन्फॉर्मेशन डाला था, ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डल चुका है। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पे उसके बाद साइन अप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन है, आप कर भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस पेज को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्टोर सेटअप है, यानी सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट को मैनेज करना है, डिजाइन करना है, फिर आपको अपने स्टोर में उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा देना है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शंस है, यहाँ से आप यानी कि यहाँ से आप अपना किसी भी प्रोडक्ट को जिसको आप डिजाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज नो प्रोडक्ट्स इन योर स्टोर, यानी अभी तक आपने कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके स्टोर में कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ से आप अपना मॉकअप जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई डिजाइन या प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे आप इसको ला सकते हैं।
इधर में स्टोर सेटअप में किस तरीके से आपका स्टोर सेटअप करना है, पहले है आपका स्टोर नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना है, स्टोर का बैनर लगा देना है और स्टोर का कोई लोगो है तो वो लगा देना है। फिर आप अपना कमीशन सेट करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे और दूसरा नेम एंड एड्रेस डालेंगे और ऐड पेमेंट डिटेल्स को आप वहाँ पे डालेंगे, यानी पेमेंट किस तरीके से आप लेना चाहते हैं अपने अकाउंट में या पेपल के थ्रू किस तरीके से, यानी पेपल यानी पेमेंट मेथड वहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे मॉकअप जनरेटर का मतलब है कि आप अपना एक सिंपल डिजाइन डालेंगे कि जैसे ही कोई बायर आपके स्टोर पे आता है तो सबसे पहले आपका मॉकअप जनरेटर वाला डिजाइन आपको वहाँ पे उसको दिखेगा और उस डिजाइन को देख करके वो परसीव करेगा कि आपका स्टोर में और क्या क्या डिजाइन है या कितना अच्छा डिजाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक कलेक्शन को जनरेट करेंगे। यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे न्यू कलेक्शन में यहाँ पे कलेक्शन का एक टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन डाल करके सेव कर देना है। कलेक्शन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने इस तरीके से लिख दिया है, जैसे टाइटल मैंने लिख दिया टी शर्ट डिजाइन, यानी जितने भी टी शर्ट्स जितने तरीके के भी टी शर्ट्स हैं इस कलेक्शन में आपको देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है ऑल सीजन टी शर्ट्स इज अवेलेबल, यानी हर एक सीजन वाला टी शर्ट है, जैसे लॉन्ग स्लीव होता है, हाफ स्लीव होता है, हर एक तरीके का टी शर्ट इस कलेक्शन में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब आप फिर से उसी पेज पे आ चुके हैं, अब आप न्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पेज पे आ चुके हैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने कलेक्शन का नाम टी शर्ट रखा है इसलिए मुझे टी शर्ट को ही डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था किसी भी कैटेगरी में आप डिजाइन कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपना कलेक्शन का नाम रखते हैं। तो मैं टी शर्ट को यहाँ पे नीचे में देख लेता हूँ टी शर्ट कहाँ पे है, उस तरीके से मैं टी शर्ट को यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, यहाँ पे लेडीज टी शर्ट है, यहाँ पे जेंट्स टी शर्ट है, तो मैं जेंट्स टी शर्ट को यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस पेज को थोड़ा सा बारीकी से समझिए तभी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिजाइन हो पाएगा। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट ऑप्शन में आप टी शर्ट को सिलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ साइजेज हैं किस साइज में आप अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इस तरीके से आप अपना साइज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक टाइप है किस तरीके का फैब्रिक में आप डिजाइन करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, हेवी वेट है, फ्लूड ब्लर है, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी अच्छा क्वालिटी होता है। अब आप नीचे आ करके आप देख सकते हैं स्लेव ऑप्शन है, आप हाफ स्लेव में फुल स्लेव में, तो मैं हाफ स्लेव को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे थ्रेड का कलर है, यानी बहुत बारीकी से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका जो सिलाई होने वाला जो कलर है उसका भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि किस कलर में होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए या व्हाइट में होना चाहिए, तो हम ब्लैक ही इसको रहने देंगे। यहाँ पे लेबल साइज है, यानी आपके प्रोडक्ट पे जो लेबल लगेगा वो किस तरीके का लगेगा, आवर ब्रांड लेबल होगा या योर कस्टम लेबल होगा, यानी आपके पास जो लोगोज वगैरह है, अपना कोई कंपनी है उस तरीके का आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, योर कस्टम लेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इधर राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप अपने प्रोडक्ट के फ्रंट साइड पे डिजाइन डालना चाहते हैं या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या बैक साइड पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट पे कोई ग्राफिक या इमेज लगाना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ कोटेशन आप वहाँ पे डालना चाहते हैं। अगर आप फ्रंट पे करना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्रंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। इस पेज को मैं इतना बारीकी से समझाऊंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से अपना प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके अपना एक ग्राफिक या इमेज को एक अपलोड कराएंगे, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना इमेज डालना चाहते हैं, यानी इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं या ऐड टेक्स्ट करना चाहते हैं। कोई टेक्स्ट पहले से आपका डिजाइन किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं इमेज को यहाँ पे अपलोड कराता हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारा डिजाइन मेरे पास ऑलरेडी है। आप किसी भी डिजाइन को यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइगर का जो फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो चुका है, अपलोड का प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो आप फिर से यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं, आप टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो चुका है, अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से ऐड वन इमेज टू प्रोडक्ट पे भी क्लिक करके इस इमेज को उस प्रोडक्ट पे डाल सकते हैं। अगर पास और कोई इमेज या डिजाइन या ग्राफिक है उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो मैं एक और ग्राफिक या डिजाइन को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, उसमें क्लिक करेंगे। इस तरीके से मैं दूसरा डिजाइन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे दूसरा डिजाइन भी अपलोड हो चुका है।
तो हम किसी भी डिजाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऐड वन इमेज टू पोर्टल पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुका है, मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ पोर्टल पे डिजाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, लो क्वालिटी इमेज दिया हुआ है, यानी इसका जो क्वालिटी है काफ़ी लो है, यानी इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंटिंग बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐड इमेज करके दूसरा इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टेक्स्ट ऐड करने का, यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इमेज एंड टेक्स्ट टूल है। यहाँ पे किसी तरीके से आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड इमेज पे हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा इमेज को सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। इस तरीके से ऐड टू वन इमेज टू प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा इमेज यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको आप यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे कट कर देता हूँ मैं, इस तरीके से ये डिलीट हो गया। अब ये डिलीट हो चुका है। अब आपके पास सिंगल डिजाइन यहाँ पे है, इसको आप इस तरीके से बीच में मिडिल में रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गुड क्वालिटी यहाँ पे लिख करके आ रहा है। इस बार प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ऐड वन इमेज टू प्रोडक्ट। अब इस तरीके से हमारा इमेज यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट अभी कम्प्लीटली डिजाइन नहीं हुआ है, हम लेफ्ट स्लेब पे और राइट स्लेब पे कुछ डिजाइन यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और इस वाले को सिलेक्ट करके हम स्लेब पे डाल देते हैं। यहाँ पे ऐड टू वन इमेज टू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्लेब पे किस तरीके से दिखेगा ये यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको इस तरीके से। फिर से हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमारा स्लेब भी डिजाइन हो चुका है। अब बैक पे क्लिक करेंगे और बैक पे भी एक डिजाइन डालेंगे। बैक पे डिजाइन डालने के लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और जो डिजाइन आपको बैक पे डालना हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमारे बैक पे ये डिजाइन आ चुका है। फिर से हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली डिजाइन हो चुका है। अब हम सेव डिजाइन पे क्लिक करके अपने स्टोर में इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे सेव डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के अनुसार यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और प्रोडक्ट के अनुसार यहाँ पे टैग लगाएंगे, फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। आपका जो कलेक्शन का नाम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कलेक्शन का नाम आपने डाला था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया और प्रोडक्ट के अनुसार यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया है। यहाँ पे मैंने कलेक्शन का नाम ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कलेक्शन का नाम दिख रहा है, यहाँ पे कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। हमने अभी तक तीन प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, जो कि दो प्रोडक्ट हमारा अनक्वालिफाइड है, यानी जो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा है, यानी पूरा डिजाइन नहीं है, या तो बैक पे डिजाइन है या फ्रंट पे डिजाइन है या स्लेब पे डिजाइन है। तो हमें तीनों पोर्शन पे डिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस सेव किया है। अब अपने स्टोर को सेटअप करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना स्टोर का एक टैग लाइन डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोर का नाम ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ पे हम लोकेशन डाल देंगे और स्टोर का टैग लाइन यानी कीवर्ड्स डालेंगे, सो दैट कि हमारा स्टोर वेबसाइट पे रैंक कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा स्टोर का नाम है, यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दिया है, यहाँ पे मैंने टैग लाइन डाल दिया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। और ऊपर आकर के एक बैनर को यहाँ पे अपलोड कराएंगे, जैसे मैंने इमेज को अपलोड कराया था उसी तरीके से बैनर को अपलोड कराएंगे और यहाँ पे अपने स्टोर का एक लोगो अपलोड कराएंगे। तो मैं सारा चीज़ में डाल करके फिर आगे बात करते हैं।
फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैनर को अपलोड करा दिया है, यहाँ पे लोगो को अपलोड करा दिया है, यहाँ पे स्टोर का नाम, लोकेशन और टैगलाइन डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाल दिया है, यानी स्टोर का सारे स्टेप्स यहाँ पे आप देख सकते हो टिक लगा हुआ है, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट को डिजाइन भी करके अपने स्टोर में डाल सकते हैं। तत्काल मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम पेमेंट डिटेल्स में आएंगे और पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा स्टोर यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे योर कमीशन सेटअप में दो स्टेप हमें करने हैं, जैसे योर नेम एंड एड्रेस यानी बिलिंग एड्रेस आपको पुट करना है और पेमेंट मेथड आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम योर नेम एंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, जैसे यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और यहाँ पे जिप कोड लिखेंगे यानी पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे पेपल सेलेक्टेड है, यहाँ से पेमेंट करेंसी को सेलेक्ट कर लेना है, आप किस तरीके से पेमेंट लेना चाहते हैं, डॉलर में, यूरो में या रुपीज में, तो मैं डॉलर में लेना चाहता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं यहाँ पे टिक लगाएंगे, या आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हैं या नहीं वो भी यूके में यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। अगर आपके पास पेपल पे अकाउंट नहीं है, चूँकि ये आपका जो भी अमाउंट है पेपल के थ्रू आएगा या आप वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास पेपल पे अकाउंट नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप एक पेपल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पेपल का अकाउंट बड़े ही आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। तत्काल मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे व्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्टोर इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारे स्टोर का बैनर है, ये हमारा लोगो है और स्टोर का कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। इसमें हम बायो को ऐड कर सकते हैं, यानी अपने स्टोर के बारे में कुछ और हम लिख सकते हैं ताकि हमारा स्टोर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब हो चुका है। अब देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया था हमारे स्टोर में इस तरीके से शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोर में अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके डालेंगे, अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके डालेंगे, उतना ज़्यादा सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट सेल होने के लिए तैयार है कॉन्ट्राडो के स्टोर पे, कॉन्ट्राडो के वेबसाइट पे इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सेल होने के लिए स्टार्ट है, आप जिस तरह देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट शो हो रहा है, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके डालेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा। ये हमारा कलेक्शन है और एक प्रोडक्ट जो मैंने डिज़ाइन किया था टी शर्ट का वो यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, एक ही डिज़ाइन को आप अलग अलग प्रोडक्ट पे शो करा सकते हैं और जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा यहाँ से सेल होगा। और आपके हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन दिया होता है, लगभग 40% का मार्जिन कॉन्ट्राडो हर एक डिज़ाइनर को देता है, तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्जिन आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, बी हैप्पी।